दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिहनी गांव से सटे जंगल में अपराध की योजना बनाते थाना क्षेत्र के ही मुकद्दर अंसारी और मनोज यादव को हंसडीहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए हंसडीहा थाना के प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बनियारा के सिहनी जंगल में दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका को दी गई। अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित कर जंगल से देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार, पुलिस निरीक्षक सुमन कुमार, थाना प्रभारी आकृष्ट अमन, उत्तम पासवान, मधुसूदन राय, मंटू कुमार, नारायण किस्कू, महेंद्र मुर्मू शामिल थे। पूरा मामला ये होगा। दिनांक 21/7/2021 के दोपहर सूचना मिली कि हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित ग्राम सिंहनी के पास सड़क किनारे दो हथियारबंद अपराधी अपराध की योजना तैयार कर रहे हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक महोदय दुमका के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक महोदय मुख्यालय के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के सहयोग से दोनों हथियारबंद अपराधी को पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हंसडीहा थाना कांड संख्या 6021 धारा 251BA 2635 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। अभी छानबीन चल रही है इस बारे में। जैसा कि सूचना मिल रही है, ये अपराधी बॉर्डर पार कर बिहार में अपराध करते हैं। बिहार के थानों से संपर्क किया जा रहा है, अपराधी के इतिहास पता करने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई लोकल गिरोह या सक्रिय है क्या? किस गिरोह के लिए काम करता है ये लोग? अभी इस मामले में जांच चल रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहां से हुई? इन लोगों की गिरफ्तारी घटनास्थल हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग ग्राम सिंहनी के पास सड़क किनारे से। दुमका से स्वदेशवाणी के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।